बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा राजधानी पटना से है, जहां पर बिहार में ब्लैक में मिल रहा ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। रेमडेसिविर के बाद अब एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। 7000 में इंजेक्शन का एक वायल मिल रहा है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की दवाई ब्लैक में बेची जा रही है। इंजेक्शन मुहैया नहीं करा पा रही सरकार। 3 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं मिली एक भी वायल इंजेक्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। बिहार में ब्लैक में मिल रहा है ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इसी तरह पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जाती थी। 7000 में इंजेक्शन की एक वायल मिल रही है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की दवाई यानी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भी कालाबाजारी हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए नूपुर, जिस तरीके से कोरोना के समय में रेमडेसिविर ने तहलका मचाया था और इसकी जबरदस्त कालाबाजारी हुई थी, पूरे पटना ही नहीं बल्कि बिहार में लोगों ने आनंद फानंद में लाखों लाख रुपए देकर के रेमडेसिविर की दवाइयां खरीदी और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी इस रेमडेसिविर के चक्कर में। अब कोरोना ढलान पर है, संक्रमण का खतरा धीरे धीरे ढल रहा है, लेकिन जिस तरह से पटना में ब्लैक फंगस के नए मरीज मिल रहे हैं, आप देखिए कल 7 नए मरीज मिले हैं और अस्पतालों में इंजेक्शन की कमी है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा वो कालाबाजारी करने वाले लोग उठा रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं, और ऐसी आपदा की घड़ी में जहां लोगों को मदद करनी चाहिए, और ऐसे समय में भी यदि अवसर इस तरीके का अवसर तलाशेंगे तो शायद बिहार के लिए ये एक शर्मनाक बात होगी। और ऐसे में जो दुकानें हैं या जहां पे भी जिस भी दुकान में ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं वो अगर ब्लैक करके बेची जा रही है, उस पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। हम आपको बता दें कि IGIMS में सोमवार को ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज भर्ती हुए हैं। एक मरीज लामा यानी कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जिसको बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, वो हो गया। और यहाँ ब्लैक फंगस के टोटल 108 मरीज पहले से भर्ती हैं। संस्थान को 24 जून के बाद लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई नहीं की गई। हालांकि यहाँ सस्ता वाला इंजेक्शन उपलब्ध है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो आनंद फानंद में कहीं ना कहीं रेमडेसिविर के तर्ज पर इन दवाइयों को भी महंगे रेट पर खरीद रहे हैं, जिसकी कालाबाजारी हो रही है। को लेकर क्या अपडेट है? भी कहा जा रहा है 3 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एक भी वायल इंजेक्शन नहीं मिली है। बिल्कुल, दवाइयां नहीं है, केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में और खास करके जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं, हेड हैं, उन्होंने भी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन की डिमांड की है, पत्र लिखा है, और अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए विभाग को लगातार पत्र लिखने की कोशिश की है। बावजूद इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर जो इलाज है, जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो मरीज है, जो पुराने मरीज हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, और इसके अलावा जो नए मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है। गौतम, क्या अभी तक प्रशासन ने इस मामले में कुछ संज्ञान लिया है और प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए, या यूं ही कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढते रहेंगे? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि आखिर ये दवाइयां कालाबाजारी हो कहां से रही है, ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। जिला प्रशासन के तौर पे कुछ दुकानों में भले ही छापेमारी की गई हो, लेकिन अभी तक कोई जो जिस तरह से रेमडेसिविर को लेकर के गिरफ्तारियां हुई थी, एक ट्रायल हुआ था, शायद आज ब्लैक फंगस को लेकर के सरकार की जो उदासीनता है जिसकी वजह से ये कालाबाजारी हो रही है। तो ऐसे में मेडिकल की दुकानों में छापेमारी करके प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके की कालाबाजारी को रोक लगाया जाए और इस पूरे गिरोह के सरगना चाहे जहां कहीं भी हो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, देखना होगा क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रेमडेसिविर के बाद अब एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होता है उसकी कालाबाजारी की जा रही है।